अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद उस्मान फिरोजी और आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान। आज जितने खूबसूरत दो लड़के जो मेरे साथ बैठे हैं नौजवान, ये हैं बलोच ट्विंस ब्रदर्स, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में धूम मचा दी है पाकिस्तान के नाम की और लियारी को रिप्रेजेंट करते हैं। माशाल्लाह से सिंगिंग के साथ साथ जो उन्होंने अपने साथ जो काम स्टार्ट किए हुए हैं, सोशल वर्किंग ये करते हैं माशाल्लाह, उसके अलावा ये इतना कोई बेहतरीन एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं फुटबॉल के ऊपर। अभी तक पाकिस्तान में किसी भी बड़े से बड़े डायरेक्टर, किसी बड़े से बड़े प्रोड्यूसर ने अभी तक फुटबॉल के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनाई है, जो कि दो नौजवान मिलकर के बना रहे हैं। इनसे बात करते हैं, हमारे से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत हूँ। सर ये बताइए कि आपका प्यारा सा नाम जी। मेरा नाम आदिल बलोच है। आदिल बलोच भाई, और आपका नाम? आसिम बलोच। आदिल बलोच भाई और आसिम बलोच भाई, ये बताइए कि आइडिया आपको कहाँ से आया कि भाई आप बलोच ट्विंस ब्रदर्स के नाम से ये जो आपका पेज भी चल रहा है और आप लोग माशाल्लाह सिंगिंग के ऊपर भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और छाए पड़े हैं और माशाल्लाह बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, तो सर इसकी कुछ हिस्ट्री बताएंगे हमें? जी, अगर नाम के हवाले से पूछा जाए तो बलोच ट्विंस इस तरह से नाम पड़ा कि जब हमने एक प्रोजेक्ट किया था ब्रादरी के नाम से, तो वहाँ पर एक जो है सीनियर जो है एक प्रोफेशनल पर्कशनिस्ट हैं जो काफ़ी हमारे मौजूद हैं, तो वो हमें अक्सर बुलाया करते थे कि बलोच ब्रदर्स, बलोच ब्रदर्स, वो ये हमें बुलाया करते थे। तो वो ये उनके बुलाने से जो है ना सारे लोग हमें यही बुलाने लगे, बलोच ब्रदर्स, बलोच ब्रदर्स, बलोच ब्रदर्स। तो फिर जब हमारा लाइक नेस्कैफे में हमने परफॉर्म किया था, गाना आया था, तो उसके बाद हमने थोड़ा सा उसको कंसाइज किया कि यार वी आर ट्विंस, ब्रदर्स होते, अगर ट्विंस ना होते तो ब्रदर्स ही कहलाते, लेकिन चूँकि हम जुड़वा हैं वी आर ट्विंस, तो इसको कंसाइज कर देते बलोच ट्विंस। तो तब से बलोच। आप दोनों भाई हैं? जी, हम जुड़वा हैं बचपन से जुड़वा। ये तो बचपन से जुड़वा है भाई, हम तो ऐसे समझ रहे थे भाई शायद कोई उन्होंने कोई अपना ब्रांड नेम रखा हो, आप तो बचपन से जुड़वा है भाई। अच्छा ये बताएं कि ये सिंगिंग का शौक आपको कब से स्टार्ट हुआ? जनाब शौक की जो बात है वो कोई स्पेसिफिक दिन नहीं है, लेकिन वजह ये हो सकती है कि एक तो हमारे वालिद को बहुत ज़्यादा शौक है मौसीकी का, और दूसरा ये कि जिस तरह के हालात हमने देखे, शोर शराबा बहुत सुना है, तो उसमें मौसीकी जब आ गई तो फिर उससे मोहब्बत हो गई, वो चीज़ें साइड पे कर दी तो मौसीकी से मोहब्बत हो गई। इसलिए जबरदस्त हो गया भाई। ये बताएं कि भाई लियारी में आए और फुटबॉल और बॉक्सिंग का जिक्र ना हो, तो आपने सिंगिंग को क्यों चूज़ किया? आप फुटबॉलर भी बन सकते थे, कोई अच्छे से बॉक्सर भी बन सकते थे। इसके मैं इस तरह से बताना चाहूँगा क्योंकि वो एक आप कह सकते हैं कि खुदा दादी चीज़ होती है या DNA में मौजूद होती है। तो उन दिनों हम फुटबॉल नहीं खेल सकते थे, जो बाहर माहौल चल रहा था, हालात थे, तो मौसीकी हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका था, और हमने देखा कि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग उनमें चेंज भी आ रहा है, हमें खुद चेंज आ रहा है बल्कि। तो इसकी वजह से हमने इंतखाब किया मौसीकी का, फुटबॉल का इसलिए नहीं किया कि सारी चीज़ें हमारे सामने थी। बिल्कुल आपने सही कहा, आप दोनों में बिल्कुल चेंज आ रहा है, भाई के बाल घुंघराले हो गए, बड़े हो गए और आप किस तरीके से हो गए। अच्छा ये बताएं कि आपका फेवरेट जो आप लोगों ने पहला जो गाना गाया था वो कौन सा था? जो पहला फेवरेट गाना था वो था कोह तलारा देश पंजाब दे, वो गाना बलोची और पंजाबी का मिक्सचर था। तो बेसिकली हमारा काम ही, हमारा मॉडल यही रहा है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स करें जिनका मासिस में फ़र्क आए। तो इससे पहले आपने सुना हो बलोची और पंजाबी का कोई मैशअप नहीं सुना होगा, या कोई मिक्सचर नहीं सुना होगा, या डुएट नहीं सुना होगा, तो इसमें जो है बलोची और पंजाबी का डुएट था। ये हमने कोह तलारा देश पंजाब दे, ये हमने 2016 में किया। तो किस तरीके से थोड़ा सा गुनगुना के सुना हमारे व्यूअर्स? कोह तलारा सब्जी डगारा उल्ले बलूचिस्तान मौसम संजे कै नूरंजे मौसम संजे कै नूरंजे अरे अके शादा कोह तलारा सबसे डगारा। वाह 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 नाज़रीन, देखें बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही सुरीली आवाज़ है माशाल्लाह से। और सर ये बताइए कि आपको फिल्मिंग का शौक़ कहाँ से आया? अब ये तो एक सवाल बनता है ना भाई।
फिल्मिंग का बेसिकली शौक हमें हुआ 2012 से। उसकी एक तो डेफिनेटली फिल्म्स वगैरह तो देखते थे, लेकिन तब जब छोड़े थे सिर्फ इसको जो एंटरटेनमेंट के हद तक लेते थे। लेकिन हमने 2012 में 13 में ट्रेनिंग के बाद हर बच्चे को कुछ अलग अलग चीज़ें करनी थी, तो उन दौर में हालात काफ़ी ख़राब थे 2013-12 के दौर में, आपको इल्म होगा। तो वहाँ हमने एक फ़िल्म बनाई, वो फिल्म तो बचकानी थी उस वक्त के लिहाज से, लेकिन उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि हम अपनी बात जो है ना अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, मौसीकी के थ्रू कर पा रहे हैं। लेकिन फ़िल्म की जो प्लस पॉइंट ये है कि आप उसमें म्यूज़िक भी है, उसमें डायलॉग्स भी हैं, उसमें किरदार भी है और उसमें विजुअल्स भी हैं, तो वो आपको पास्ट भी एक्सपीरियंस करा रहा है, प्रेजेंट भी करा रहा है और फ्यूचर भी करा रहा है। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा, इसने हमें बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि दिलचस्पी इसकी वजह से हमें जो है फिल्म मेकिंग की आई। और फिर हम जो है तब से जो है कोशिश करते हैं फिल्म्स के थ्रू, हमने चंद एक ऐसी चीज़ें भी मैंने इसमें लियारी का माहौल भी दिखे, लेकिन लियारी से आगे बढ़ना है तो जो जो चीज़ें हैं कि यानी अपनी सोसाइटी में चीज़ें हैं या कुछ फिक्शंस भी हैं, नॉन फिक्शंस भी, उस पर काम कर रहे हैं, तो ये करना चाह रहे हैं। जो आपको फुटबॉल वाला जो एक्सपीरियंस है, फुटबॉल पे जब फिल्म कर रहे हैं, तो उसमें क्या आप बताना चाहेंगे, किस किस चीज़ों को आपको फेस करना पड़ रहा है, कोई आपको कोऑपरेट कर रहे हैं या नहीं, खुद अपनी पॉकेट से कर रहे हैं? ये बेसिकली हम जो है अपनी पॉकेट से ही कर रहे हैं, लेकिन जी इसका स्टाइल मैं बताना चाहूँगा, ये थोड़ी सी जो है ट्रैवल फिल्म टाइप की फिल्म होगी इसमें, यानी इसमें मॉन्टाजेस टाइप की फिल्म होगी। स्पेसिफिक वो थ्री एक्ट स्ट्रक्चर बेस्ड फिल्म नहीं है ये, कि किरदार है इसमें मुख्तलिफ किरदार हैं, और लियारी वालों का जो ब्राज़ील से जो कनेक्शन है उसको दिखाना है कि किस तरह लोग जो है क्रेज़ी हुए होते हैं, ऑल्दो हज़ारों किलोमीटर्स का फासला है लेकिन फिर भी इस तरह से सपोर्ट करते हैं जैसे अपने लोग अपने भाई हैं। तो उन चीज़ को हम ग्रैब करें, अब एक जो है सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट होगी कि ब्राज़ील सब यही सोच रहे थे कि फाइनल जीतेगी या आएगी, लेकिन पहले ही निकल गई, तो वो सारी चीज़ों को हम कैप्चर कर रहे हैं, लोगों के एहसास को या सेलिब्रेशंस को या उदास किस तरह से हो रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को होल्ड करके वर्ल्ड कप पे एक जो है हम पूरा एक ट्रीटमेंट हमने बनाई हुई एक फिल्म है। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी आप क्या कर रहे हैं ऐसा कुछ म्यूज़िक के लिए? सर, म्यूज़िक में हमारी यही कोशिश रहती है कि जो हमारे एक आध छोटे मोटे गाने आ जाते हैं उनमें कोई सबक मिल जाए, किसी को कोई सीख मिल जाए, या हमारे जो है माशरे की अक्कासी हो। तो फिल वक्त हम एक जो है प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं जिसका नाम है बॉर्डरलेस। बॉर्डरलेस ये हमें खुद बजाते खुद अल्फाज ही हमें बहुत ज़्यादा जो है फैसिनेट करते हैं, क्योंकि हम खुद भी इस जो है चीज़ से बिलीव करते हैं कि लकीरें लगाना जो है ना आपको बांध देता है, आपको कैद कर देता है, और हम इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं है। हम चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं ऐसी रहें कि आप हर एक को मिल सकें, हर एक के पास जा सकें, वक्त बिता सकें, और अपने जो है जो अपने एक आप डब्बे में बंद हैं उस डब्बे से बाहर जा सकें, और तभी ये दुनिया खूबसूरत होगी। आप दूसरों को देखेंगे जब दूसरे इलाकों में जाएंगे, दूसरे, जैसे आपने कहा कि यार लियारी का ऐसा था ये वो जो कंसेप्शन बना हुआ था, तो जब आप आके बैठेंगे साथ लोगों के, या मैं जाऊँगा 90 में लोगों के साथ बैठूँगा, तो मुझे पता चलेगा कि यार यहाँ कैसे लोग रहते हैं। तो बॉर्डरलेस भी इसी चीज़ का काम कर रहा है कि ये जो लकीरें लगी हुई हैं इनको जो है तोड़ने का काम कर रहा है, मौसीकी के ज़रिए और दीगर जो है फ़नून लतीफ़ा है उनके ज़रिए, ये सारी चीज़ों के ज़रिए। तो ये हम इसमें अपना छोटा सा एक जो है कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हिस्सा डाल रहे हैं। ये है लियारी के ट्विंस ब्लोच ब्रदर, यकीन कीजिए बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत सिकर अज़म वाले हैं। इस अपनेपन के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। भाइयों को बहुत सपोर्ट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।